ज्ञान बाबे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वाराणसी कोर्ट से 15 मुकदमे हाई कोर्ट ट्रांसफर की मांग की गई है। सभी मामलों को एक जगह सुने जाने की ये मांग की गई है। हिंदू पक्ष ने याचिका दायर कर कोर्ट से अनुरोध किया है। ज्ञान बाबे से जुड़े 15 मामले वाराणसी के जिला कोर्ट में दाखिल किए। कुछ याचिकाएं हाई में भी लंबित की गई हैं। तो हिंदू पक्ष ने याचिका दायर कर कोर्ट से अनुरोध किया है। हिंदू पक्ष ने ये याचिका दायर की है। ज्ञान वापिस से जुड़े 15 मामले वाराणसी के जिला कोर्ट में दाखिल किए जा रहे हैं। कुछ याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लंबित हैं। हिंदू पक्ष ने याचिका दायर कर कोर्ट से अनुरोध किया है। वहीं एएसआई सर्वेक्षण को लेकर के ये विरोध के भी सुर देखे जा रहे हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, अब जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और तमाम जो याचिकाएं हैं वो भी दायर की जा चुकी हैं, मुस्लिम पक्ष की क्या कुछ स्टेटमेंट और हिंदू पक्ष का क्या कुछ कहना है उससे भी लेकर के तमाम जानकारियां पेश की जाएगा। बिल्कुल गरिमा, जिस हिसाब से आज सुप्रीम कोर्ट में ज्ञान बापू मामले पर सुनवाई होनी है उसको लेकर के मुस्लिम पक्ष लगातार सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी कोर्ट में है वो कहीं ना कहीं जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया जाए जिससे कि जो केस में तेजी होगी। तो उस पर लेकर के मुस्लिम पक्ष लगातार इस चीजों को लेकर के लगातार इस चीजों को लेकर अपील देता हुआ नजर आ रहा है कि जो वाराणसी कोर्ट में 15 मामले हैं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं उसको लेकर के ही, क्योंकि एक जगह अगर सारे मुकदमे रहेंगे तो कहीं ना कहीं केस में मजबूती मिलेगी। हिंदू पक्ष इन चीजों को लेकर, क्योंकि लक्ष्मी देवी की जो हलफनामा था उसको लेकर के कई सुनवाई थी जिसमें की लगातार मुस्लिम पक्ष इन चीजों को लेकर के लगातार कहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वजूखाना और शिवलिंग के बीच में जो घमासान मचा हुआ है उसको लेकर के लगातार जो हियरिंग है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और तमाम वाराणसी कोर्ट में नजर आ रही है। तो उसको लेकर के सुनवाई है आज सुप्रीम कोर्ट में, इसके बाद जो निर्णय होगा वो देश के सामने होगा। तो कह सकते हैं इसमें लगातार मुस्लिम पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं अपील देता हुआ नजर आ रहा है कि जितने भी मुकदमे हैं वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में जो है इलाहाबाद कोर्ट में उसको स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में और वाराणसी में तमाम मामले जो चलते हुए नजर आ रहे हैं विचाराधीन भी है। जी, इसके साथ ही जो 15 जो याचिकाएं हैं उन्हें हाई कोर्ट ट्रांसफर कराने की भी मांग की जा रही है। तो लगातार ये जिस तरह से मांगे भी हो रही हैं, लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के बीच जो विवाद की भी स्थिति है वो भी पनपती हुई नजर आ रही। तो अब आज जो ये सुनवाई चल रही है आगे क्या कुछ इसे लेकर के सर्कमस्टेंसेस बनते हुए नजर आएंगे और अगर ये जो याचिकाएं हैं वो हाई कोर्ट में ट्रांसफर की जाती हैं फिर क्या कुछ स्थितियां बनेंगे? देखिए, अगर हम बात करें कि स्थितियां, तो स्थितियां जब से एएसआई के सर्वेक्षण चल रहा था तब से लेकर के लगातार मुस्लिम पक्ष इन चीजों को लेकर के विरोध करता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि जब एएसआई की स्टार्टिंग से अगर हम कह दें कि जब एएसआई की टीम ने निरीक्षण किया सर्वेक्षण किया था उसको लेकर के मुस्लिम पक्ष लगातार जो विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आया था। और अगर हम बात कहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामले हैं और अगर एक साइड मतलब एक तरफ कर दिया जाए पूरे मामलों को तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष की दलील यही है कि इसके अंदर एक जो है मामले में जो केस है उसमें कई तेजी होती हुई नजर आएगी। तो उनका कहना यही है कि अगर हम एक ही जगह पूरे मुकदमे कर दें तो कहीं ना कहीं सुनने में जस्ट को और कहीं ना कहीं दूसरे उसमें मुकदमे में तेजी आती हुई नजर आएगी। लेकिन लगातार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी कई मामले हैं विचाराधीन है और वाराणसी कोर्ट में 15 मामले हैं, तो अगर इन सबको अगर कर दिया जाए हाई कोर्ट में तो कहीं ना कहीं जाकर के सारे मुकदमे सुनने में भी समय लगे और कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष का कहना यही है कि यहाँ पर जो जो केस है कहीं ना कहीं उसमें तेजी होती हुई नजर आएगी और निर्णय जो होगा वो जल्द से जल्द आता हुआ नजर आएगा। जी, मुस्लिम पक्ष की जो याचिकाएं थी उनकी भी तमाम जो पॉइंटर्स है उन्हें भी रिमाइंड करने की एक बार कोशिश की जाएगा। सचिन, यहाँ पर जो वजू खान और शिवलिंग के जो बीच का जो बातें कही ना, तो उनका कहना यही है कि यहाँ पर वजूखाना है जहाँ पर बहुत पुराने उससे चला आ रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष जो है इन चीजों को दरकिनार करता है, क्योंकि एएसआई के सर्वेक्षण में भी कई ऐसी आकृतियां मिली है जो कि हिंदू देवी देवताओं के कहीं ना कहीं चिन्हित करते हुए नजर आ रही है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इन चीजों को लेकर के एएसआई सर्वेक्षण को भी लेकर के कहीं ना कहीं विरोध करता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर में ये जो सर्वेक्षण है कहीं ना कहीं ये सरासर गलत है, ऐसा मुस्लिम पक्ष कह रहा है जो कि मामला न्यायालय में भी चल रहा है। तो ये मुस्लिम पक्ष इन चीजों को लेकर जो हलफनामा और तमाम जो चीजें हैं उनको भी लेकर के कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष इन चीजों को कहता हुआ जरूर नजर आ रहा है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें थी पुराने थे वो यहाँ पर मजूद खाने थे और
और हिंदू पक्ष इन चीजों को कहता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर शिवलिंग था। इन सारी चीजों को लेकर के जो है वही मामले जो है न्यायालय में चलते नजर आ रहे जी। ठीक है सचिन, आगे भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।